आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। इंटरनेट कंपनियां किसी की सगी नहीं है। तमाम इंटरनेट कंपनियां फ्री में सेवाएं देती हैं, जो कि वास्तव में फ्री नहीं होती है। आपको भले ही लगता है कि आप फ्री में सेवाएं ले रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप सेवाओं के बदले उन्हें अपना डेटा, अपनी जानकारी दे रहे हैं। अब फेसबुक ने एक बड़ा सौदा कर लिया है, और हाँ, यह सौदा किसी सामान का नहीं बल्कि आपके डेटा का है। फेसबुक ने नेटफ्लिक्स के साथ एक साझेदारी की है, जिसके तहत प्राइवेट मैसेज के बदले डेटा का करार हुआ है। इस साझेदारी के तहत फेसबुक अपने मैसेंजर यूजर्स के निजी चैट का डेटा नेटफ्लिक्स को देगा, और बदले में नेटफ्लिक्स अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक को देगा। इसका खुलासा एक दस्तावेज के सामने आने के बाद हुआ है। यह खुलासा मेटा द्वारा अपनी स्ट्रीमिंग व्यवसाय को बंद करने के फैसले के बीच हुआ है। पिछले साल अप्रैल में फेसबुक वॉच पर रेड टेबल टॉक जैसे मूल शो भी शामिल थे। मेटा ने स्ट्रीमिंग व्यवसाय को खत्म करने का निर्णय लिया था। लीक डॉक्यूमेंट में यह दावा किया है कि फेसबुक और नेटफ्लिक्स के बीच यह सौदा साल 2013 में हुआ था। इससे पहले मेटा ने कहा था कि फेसबुक मैसेंजर के चैट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। नेटफ्लिक्स ने फेसबुक पर अपने विज्ञापन को 150 मिलियन प्रति डॉलर तक कर दिया है, और यह साल 2019 से ही हो रहा है। माना जाता है कि फेसबुक वॉच को बंद कराने के पीछे भी नेटफ्लिक्स का ही हाथ है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। हाय गाइस, दिस इज आलिया भट्ट, यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वाचिंग।